भी डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। नजदीक नजदीक रखिए माइक, माइक के पास आप माइक, माइक माइक तो ये सर। अरे भाई चुप करो, बोल रहा ना मैं का भाई, हूं तो माइक बा। मैं किसी से क्या डरूं, मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़े और लड़ते रहूंगा और मरने दम तक सिवान के विकास के लिए लड़ूंगा। मैं जब आशीर्वाद देगी और दिल्ली भेजने का काम करेंगी और मैं सिवान का सर्वांगीण विकास का जो योजना लेके आया हूं उसे पूरा करने का काम करूंगा, जनता को ठगने का काम नहीं करूंगा। बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज है। इस बीच सिवान से एक बड़ी खबर आ रही है। सिवान के बड़े बिजनेसमैन हैं जीवन यादव, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, सिवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े, उन्हें जान से मारने की धमकी जो है वो दी गई है। थाने में फिलहाल जो है वो शिकायत दर्ज कर ली गई है और उसके बाद थाने में के जाने के बाद जीवन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि किस तरीके से फ़ोन पर एक युवक ने उन्हें जान से मारने की धमकी जो है वो दी है। सबसे पहले जीवन कुमार का हम आपको बयान सुनवाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आखिर जीवन कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से क्या आया है फोन। बोल रहा है कि तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। नजदीक नजदीक रखिए माइक, माइक के पास आप माइक बा सर, माइक तो ये सर। अरे भाई चुप करो, बोल रहा ना मैं का भाई, हूं तो माइक बा। ठीक है आलो सुनाई नहीं चलिए, गोली क्या मतलब धमकी दे रहा है? अरे डर गए होते तो किसी को रहते नॉमिनेशन का डेट देते। ये नंबर ये हम ऑडियो आपको फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, नंबर फाइल पर आया था जो व्हाट्सएप। अब ये मैं अपने से थोड़े करवा लिया हूं कि कहां के आप लोग ऐसा सवाल करते हो, आप सवाल कीजिए ऐसा कि जो जाई जो वो भाई आया था कि ये आदमी फोन करके धमकी दिया, अब कहां का है कौन है ये तो प्रशासन बताएगी ना। मोबाइल पर आया था कि व्हाट्सएप, मोबाइल पर आया था तभी तो रिकॉर्डिंग किया है। नहीं व्हाट्सएप पे हो, व्हाट्सएप पे भी आता है नहीं, व्हाट्सएप कॉल मैं बंद करके रखता हूँ, व्हाट्सएप में कॉल यूज नहीं करता हूँ कोई मुझे धमकी। क्या लग रहा डर गए जीवन? अरे डर डरे मेरे दुश्मन, मैं किसी से क्या डरूं, मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़े और लड़ते रहूंगा और मरने दम तक सिवान के विकास के लिए लड़ूंगा। मैं जब कोरोना काल में गोरखपुर में जब काम किया, मरते देखा, इतने लोगों को नजदीक से मरते देखा ना, इतनी लाशें उठाया हूँ कि डर कहाँ होता है मुझे समझ में नहीं आया। अच्छे अच्छे करोड़पति को भी लाश जलाने वाला कोई नहीं मिला, अच्छे अच्छे मैंने डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी को भी लाश जलाने वाला कोई नहीं मिला। तो उस कोरोना काल से ही मैंने अपने परिवर्तन, मैं जो परिवर्तन मेरे अंदर आया वो कोरोना काल का देन है और वो परिवर्तन का देन है कि मैं आज सेवा करता हूँ। और जिंदगी में मौत से डर क्या होता है ये मुझे कभी समझ में नहीं आया ना समझ में आएगा। ये है थाना प्रभारी को दिया हुआ एप्लीकेशन, FIR नंबर भी मिल गया है, लो देख सकते हैं। आखिरी सवाल जी, जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन जैसे मुझे नगर परिषद में मिला वैसे ही मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि इस बार मुझे जनता आशीर्वाद देगी और दिल्ली भेजने का काम करेंगी और मैं सिवान का सर्वांगीण विकास का जो योजना लेके आया हूं उसे पूरा करने का काम करूंगा, जनता को ठगने का काम नहीं करूंगा। सारी लाल जी मेरे नामांकन में रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे मेरे नामांकन में, चुनावी खेसारी जी मेरे भाई आपके किससे होगी, हिना साहब से और बिहारी चौधरी से या विजय लक्ष्मी कुशवाहा से? सिद्धांत से, जो सिद्धांत सिद्धांतिक होगा उससे मेरी लड़ाई होगा, अब देखिए सिद्धांत वाला कौन है। जीवन कुमार का साफ तौर पर कहना है कि युवक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मौजूदा सियासी सिनेरियो की बात करें तो जीवन यादव जो हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, यादव समाज से आते हैं, सिवान जिले में टॉप बिजनेसमैन हैं वो और गोरखपुर में जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं और कोरोना के समय में गोरखपुर के लोगों की खूब खिदमत खूब सेवा जो है वो जीवन यादव ने की थी और उन्हें धमकी मिली है जान से मारने की। दरअसल आपको बता दें कि जीवन यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और यादव समाज से आते हैं और वोट काटेंगे तो किसका काटेंगे? RJD का वोट काटने वाले हैं। जीत रेस में है जीवन यादव भी, हालांकि हिना साहब भी निर्दलीय लड़ रही हैं, तो दूसरी छोर NDA की तरफ से विजय लक्ष्मी जो है वो कैंडिडेट हैं और तो RJD की तरफ से अवध बिहारी चौधरी जो है वो कैंडिडेट है। जीवन यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पहली दफ़ा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और वोट किसका काट रहे हैं? तो काट रहे हैं यादव का। इस बीच प्रचार भी वो कर रहे हैं और जो है वो जीवन यादव को फ़ोन पर जान से मारने की धमकी मिली है।